आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज इंदौर में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ी। बैतूल, गुना, शाजापुर और खजुराहो में रहा कोल्ड डे। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 31वें अंक में आज सुनिए, श्योपुर जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए जा रहे अनूठे शॉपिंग मॉल पर खास रिपोर्ट। और दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला। और अब खबर विस्तार से। राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज इंदौर के विजयनगर में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। 16 फरवरी तक चलने वाले इस हुनर हाट में हुनरमंद अल्पसंख्यकों और अन्य कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, साथ ही उनके द्वारा किए गए नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। आज संत रविदास जयंती है। इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ सागर में आयोजित रविदास जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे सागर में 3,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। श्री कमलनाथ सागर में नए कलेक्ट्रेट भवन और स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर के लोकार्पण के साथ ही लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शुभारंभ करेंगे। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने कल समारोह स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर, ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव और सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया भी शामिल होंगे। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के बैतूल, गुना, शाजापुर और खजुराहो में कल कोल्ड डे रहा। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अरब सागर से आ रही नमी और ड्राई विंड के मिलन के असर से आज और कल सिवनी, बालाघाट और मंडला जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। राज्य में मौसम का मिजाज फिलहाल 1 से 2 दिन तक ऐसा ही बना रह सकता है। 2 दिन बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने का अनुमान है। प्रदेश के शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, भिंड और मुरैना जिले में हल्के से मध्यम कोहरा पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई तथा शेष संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान में सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रीवा में दर्ज किया गया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज मंडला के दौरे पर आ रहे हैं। वे रायपुर से रवाना होकर 11 बजे मंडला पहुंचेंगे। वहां वे रामनगर में होने वाले आदिवासी महोत्सव से संबंधित बैठक तथा स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के पश्चात शाम 4 बजे जेवरा के लिए रवाना होंगे। श्री कुलस्ते देर शाम जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसके तहत डिंडोरी में राजीनामा वाले 685 मामलों में 26 प्रकरण निराकृत किए गए, जिनमें 9,83,000 रुपये राशि की क्षतिपूर्ति दी गई। छतरपुर जिले में भी लोक अदालतों में 1,38,64,000 राशि के 404 मामले निपटाए गए। लोक अदालत में 1,541 लंबित मामले रखे गए थे, जिनमें 209 मामलों का आपसी सहमति से राजीनामा कर निराकरण किया गया। दमोह जिले में लोक अदालत की 22 खंडपीठों का गठन किया गया था। इनमें मोटर दुर्घटना दावों के 36 प्रकरणों को सुलझाया गया। शिवपुरी जिले में घरेलू हिंसा के 27 प्रकरणों में समझौता अथवा आपसी सुलह कराकर प्रकरणों का निराकरण किया गया। उमरिया जिले में भी लोक अदालत के आयोजन में 408 से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया गया और 70 लाख रुपए से भी अधिक का अवार्ड पारित किया गया। इसी तरह ग्वालियर की लोक अदालतों में आपसी सहमति के आधार पर 213 प्रकरणों का निराकरण किया गया। बड़वानी में भी लोक अदालत के तहत 675 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश के गुना, उज्जैन, सतना और होशंगाबाद सहित अन्य जिलों से भी लोक अदालतों के आयोजनों के समाचार मिले हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR News ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है।
हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 31वें अंक में आज आप सुनिए श्योपुर जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए जा रहे अनूठे शॉपिंग मॉल पर एक खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू हुआ करते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। सुनिए ये खास रिपोर्ट। अभी तक आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड और विदेशी कंपनियों के बनाए चीजों की शॉपिंग तो जरूर की होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे देशी मॉल से रूबरू करा रहे हैं जहां देशी ही नहीं स्थानीय चीजों का खजाना होगा। हम बात कर रहे हैं श्योपुर जिले में खुल रहे एक अनूठे मॉल की, जहां एक छत के नीचे स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाई हुई सामग्री उपलब्ध होगी। जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर स्वामी कृष्ण मुद्गल ने बताया है कि यहाँ आजीविका उत्पाद शुद्धता के साथ बनाए जाते हैं। स्वसहायता समूह की महिलाएं श्योपुर में विगत 2 सालों से विभिन्न प्रकार के आजीविका उत्पाद बेचने का प्रयास कर रही थी। कलेक्टर महोदय ने जब हमारे आजीविका भवन पर भ्रमण किया, गांव में भ्रमण किया, हमारे स्वसहायता समूह की दीदियों से मिली, उनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को देखा, उनकी क्वालिटी को परखा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं आपको 20 शहर में बहुत बढ़िया भवन उपलब्ध कराती हूँ, जहाँ पर आप आजीविका के द्वारा बनाए गए समस्त उत्पादों को विक्रय करें और बेचने के लिए भी आपको मदद करेगा नाबार्ड। गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए श्योपुर कलेक्टर प्रतिभा पाल और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ये पहल की है। ये मॉल जल्द ही शुरू हो रहा है। लोग यहाँ पर चंदेरी से लेकर महेश्वर तक की साड़ियाँ, मंडला का शहद, इंदौर की अगरबत्ती से लेकर आदिवासी इलाकों का कोदो कुटके तक खरीद सकते हैं। साथ ही रोजमर्रा की वस्तुएं भी उचित दामों पर खरीदी जा सकेंगी। वहीं आजीविका समूह से जुड़ी एक महिला ने बताया है कि समूह से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। हमारे जो सामान बनाती थी दीदियाँ, उसको हम बेचने में परेशानी आती थी, और अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कलेक्टर दीदी ने हमें एक मॉल खुलवाया है, जिससे हमें उसको बेचने में सुविधा होगी। ये सबसे बड़ी हमारी सभी दीदियों के लिए खुशी की बात है। मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं ढोडर की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम सागर समूह है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो मेरे साथ काम करती हैं, उनको मैंने ट्रेनिंग दी है। उन सब चीजों से ये खुश भी हैं, वो सोच रही हैं हमें घर बैठे इतनी कमाई हो रही है, अच्छा है। स्थानीय और आदिवासी व्यंजनों के शौकीनों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ होगा। यहाँ गिर गाय के दूध से बने उत्पाद, झाबुआ का कड़कनाथ, दाल पनिया और लजीज चटनी रोटी का स्वाद भी मिल सकेगा। जिला प्रशासन की ये पहल वाकई सराहनीय है। इस पहल से महिलाओं का न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी। श्योपुर से अश्विनी बालोदिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। भारत ने FIH प्रो लीग हॉकी में कल विश्व चैंपियन और विश्व की नंबर एक टीम बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। भारत की बेल्जियम पर यह 50वीं जीत थी। इसके साथ ही 2003 में विश्व रैंकिंग शुरू किए जाने के बाद से भारत पहली बार विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। ये भारत का लगातार 3रा और अब तक का 7वां फाइनल है। अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 32 साल के इतिहास में 3री बार 2 एशियाई देशों के बीच फाइनल मुकाबला हो रहा है। गत चैंपियन भारत 5वीं बार विश्व कप विजेता बनने के लिए आज ये मुकाबला खेलेगा। और अब कुछ समाचार इस बुलेटिन के संक्षिप्त में। सिवनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में शासन की विभिन्न योजनाओं में बेहतर काम करने वाले सचिवों, रोजगार सहायकों और सरपंचों को जिला प्रशासन ने कल सम्मानित किया। मंडला कलेक्टर डॉ जगदीश चंद्र जटिया ने जिले के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। उमरिया जिले के ग्राम रहटा में आज केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए जनसंवाद और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में शहडोल संभागायुक्त उपस्थित रहेंगे। और अशोकनगर में तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज इंदौर में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ी। बैतूल, गुना, शाजापुर और खजुराहो में रहा कोल्ड डे। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 31वें अंक में आज आपने सुनी श्योपुर जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए जा रहे अनूठे शॉपिंग मॉल पर एक खास रिपोर्ट।
और दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:30 पर। नमस्कार।